हाय एवरीवन, अंजलीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी पनीर भेजरोल की, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। पनीर भेजरोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने लिया एक कप मैदा और साथ ही एक कप आटा, और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। सभी को मैंने मिला दिया अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। जैसा रोटी या चपाती का हम डो बनाते हैं, उसी तरह का डो हमें बना लेना है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से गूंद लिया है। हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक पैन लिया है मैंने, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसे भी हम हल्का सा पका लेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे कैबेज, कैप्सिकम, कैरोट। अब सभी को मिला के हल्का सा पका लें। ये देखिए, ये हल्का सा पक गया है। तो अब हम इसमें सॉस ऐड कर देते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस डाला है मैंने, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, और साथ ही में 2 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। तो सभी को अब हम मिक्स कर लेंगे। सभी को मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, सॉस और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में काट के भी पनीर डाल सकते हैं, लेकिन सभी सब्जियों को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है, इसलिए मैंने पनीर को भी लंबाई शेप में काटा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कुछ कटे हुए प्याज लिया है मैंने, इसमें हम डालेंगे हल्का सा नींबू का रस और चुटकी भर नमक। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे अलग रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। तो हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी एक लोई लेंगे। इस तरह से एक लोई लेना है हमें, और इसे हम गोल कर लेंगे। और इस पे थोड़ा सा एक मैदा डस्ट करके इसे हम रोल करेंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल। इस तरह से अच्छे से हम इस पे ऑयल लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा या आटा स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद एक कोने से ऐसे पकड़ के आगे से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से आगे से पीछे की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम पेपर फैन बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। लच्छा पराठा बनाना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें ऑयल लगा के मैदा डस्ट करके फोल्ड करके दोनों एंड को पकड़ के इस तरह से हम इसे सेंटर में दबा देंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे और इसे एक शेप दे देंगे ताकि ये खुले ना। इस पे हम मैदा डस्ट करके इसे हम रोल करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे रोल कर लिया है। तो ये हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार है। तो इसी सेम प्रोसेस से हम सारे पराठे को रोल कर लेंगे। अब गरम तवे पे हम पराठे को डालेंगे और इस तरह से हम दोनों साइड से इसे पका लेंगे। अब हम इसमें तेल लगा देंगे। इस तरह से तेल लगा के हम दोनों साइड से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। पराठा सेकते वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। अगर हम धीमी आंच रखेंगे तो यह पराठा कड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें मीडियम हाई पे इसे सेकना है। ये देखिए, इस तरह से हम पराठे को सेक लेंगे।
ये देखिए पराठे को अच्छे से सेक लिया है मैंने। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से हम इसे एक साइड से स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे कटी हुई प्याज, जिसे मैंने काट कर नींबू का रस मिलाकर रखा था वो है, और इसके ऊपर से हम डालेंगे टमाटो केचप। इस तरह से इसमें हम टमाटो केचप डाल देंगे, और इसमें हम अब इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, और इसे अब हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से हम इसे एक साइड से पकड़ के इस तरह से राउंड करके हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे इस तरह से रख के दोनों साइड से टिश्यू पेपर को हम मोड़ देंगे। ये हमारा पनीर भेज रोल बनकर तैयार है। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से भेज रोल रखा है मैंने, इस पे हम डालेंगे कटी हुई सैलेड। सैलेड में मैंने डाला है अनियन, कैरेट और कैबेज, आपको जो भी पसंद हो आप डालें, और इसके साथ ही टमाटो केचप। हेल्दी और टेस्टी पनीर भेज रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।